कम से कम 20 साल हमें हो गया यहाँ रहते हुए, अभी तक ऐसा आंदोलन देखे नहीं थे हम। ये फर्स्ट बार ऐसा आंदोलन देख रहे हैं। और लगी बात यहाँ की, इन सब के तो इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। ये सब एकदम से माइंड ब्लोइंग इंसान है, जो कहा जाए जितना भी तारीफ किया जाए कम है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनका मांग जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि इससे हम काफ़ी हद तक मेंटली प्रेशर में हैं। पहले लॉकडाउन के वजह से हम इतना लाइफ हमारा क्रिटिकल हो गया कि हम घर के खर्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। शॉप का किराया नहीं निकल रहा, लड़कों का तनख्वाह नहीं निकल पा रहा जो काम कर रहे हैं। आज मैं जब सुबह सो के उठी ना, मेरा बेटा आके मेरे पास रोने लगा। उसी समय मैं टूट गई। मैं मुसीबतों से नहीं टूटती, संघर्षों से नहीं टूटती, उससे मुझे और हौसला आता है जिंदगी जीने और लड़ने का। पर मैं एक बच्चे के आगे अपने मजबूर हो गई। आखिर एक माँ हूँ ना। हम टूट चुके, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया। एक साल पूरा हो गया हमें स्ट्रगल करते हुए। लॉकडाउन की मार अभी हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे, काफी मुश्किल से अभी उभर रहे थे, तब तक ऐसा हालात हो गया। हमारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता अब नहीं रह गया है। और गवर्नमेंट से मेरा अपील है कि जितना जल्दी इनका डिमांड, इनका मांग पूरा करे। इन सारे हुजूम में कम से कम 40% बुजुर्ग हैं। आज ठंड के मारे ये 6 बजे सिकुड़ के अपने ट्रकों के अंदर घुस जाते हैं। अगर हमारा आर्थिक स्थिति सही होता तो मैं अपना पूरा शॉप इनके रहने के लिए अंदर से व्यवस्था कर देती, सोने और खाने के लिए मैं अपने शॉप के अंदर ही इनका व्यवस्था कर देती। पर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन। इस वेले टिकरी बॉर्डर ते खड़े हाँ, जो कि हरियाणा अते दिल्ली दा बॉर्डर है, जिथे कि किसान लंबे समय तो बैठे ने इन्हां कानूनां नूं रद्द करवाउण दे लई। सो इत्थे स्थानक जिहड़े दुकानदार ने, स्थानक लोग ने, उन्हां नाल गल करन दी कोशिश करदे हां, जानदे हां उन्हां दी की इस सारे अंदोलन नूं लैके उन्हां दा की नज़रिया है। सत श्री अकाल जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। सो पहले तो मुझे ये बताइए, ये हरियाणा का एरिया है? हाँ, इससे आगे दिल्ली चालू होता है और यहाँ से हरियाणा चालू होता है। जो ये दुकान है ये हरियाणा में आती है, और ये जो ये सड़क पार करके जाती है वो दिल्ली की दुकान है। सो आप, हम इस टाइम हरियाणा में हैं। आप हरियाणा के फर्स्ट दुकान पे खड़े हो? हरियाणा की फर्स्ट दुकान। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हरियाणा की हद यहाँ से शुरू होती है। हाँ, यहाँ से शुरू होती है। सो मैं जानना चाहूँगा, आप लंबे समय से पिछले यहाँ से रह रहे हो, महसूस क्या महसूस कर रहे हो, कैसे देखते हो, क्या नज़रिया है आपका इस सब को लेके, इस आंदोलन को लेके, या जो भी यहाँ पे पंजाबी या कोई भी किसान है उनको सबको लेके आपका क्या नज़रिया है, सरकार को लेके क्या नज़रिया है? हम तो काफ़ी दिन से यहाँ हैं, कम से कम 20 साल हमें हो गया यहाँ रहते हुए। अभी तक ऐसा आंदोलन देखे नहीं थे हम। ये फर्स्ट बार ऐसा आंदोलन देख रहे हैं। और लगी बात यहाँ की, इन सब के तो इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। ये सब एकदम से माइंड ब्लोइंग इंसान है, जो कहा जाए जितना भी तारीफ किया जाए कम है। क्योंकि कोई फ्री का चीज़ खाना वाना नहीं, या कोई अच्छी हरकत नहीं, छेछड़ों वाली हरकत नहीं। क्योंकि ये लेबर एरिया है, यहाँ 50% जेंट्स और 50% लेडीज रोज़ सुबह शाम जाती है ड्यूटी करने, पर ये कभी कॉमेंट वोमेंट नहीं करते उन पर, कभी भी नहीं किए, हमने नहीं देखा। और ये सही है, इनका ये आंदोलन भी सही है एक हिसाब से गवर्नमेंट से। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं, हमें गवर्नमेंट से बहुत नाराज़गी है, क्योंकि इनका मांग जल्द में ही, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनका मांग जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि इससे हम काफ़ी हद तक मेंटली प्रेशर में हैं। पहले लॉकडाउन के वजह से हम इतना लाइफ हमारा क्रिटिकल हो गया कि हम घर के खर्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। शॉप का किराया नहीं निकल रहा, लड़कों का तनख्वाह नहीं निकल पा रहा जो काम कर रहे हैं, तो तनख्वाह न मिलने से लड़के भी जा रहे हैं यहाँ से। हम अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ कितना काम कर सकते हैं? इस पूरे शॉप को हम नहीं संभाल पाएंगे अगर लड़के नहीं रहे तो। तो गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि कम से कम, और कुछ नहीं तो एक देशवासी ही समझ करके, हमारा ही अपील समझ करके, इनका मांग जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए कि रास्ता क्लियर हो जाए। रास्ता अगर क्लियर हो गया तो हमारा कारोबार चल पड़ेगा। ऐसे हमारा कारोबार एकदम से 0 पॉइंट पे आ गया, हमारा आर्थिक स्थिति काफ़ी
खराब हो चुका है हमारे बच्चों की, इसके वजह से आने वाला भविष्य खराब हो रहा है। मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, सब कुछ रुक गया। मेरा बेटा काफ़ी टैलेंटेड है लेकिन 3-4 महीने से उसका फीस भी नहीं जा पा रहा। हम टूट चुके हैं, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया। 1 साल पूरा हो गया हमें स्ट्रगल करते हुए, लॉकडाउन की मार अभी हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे, काफ़ी मुश्किल से अभी उभर रहे थे, तब तक ऐसा हालात हो गया। हमारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता अब नहीं रह गया है। और गवर्नमेंट से मेरा अपील है कि जितना जल्दी इनका डिमांड, इनका मांग पूरा करें और रास्ता क्लियर हो। सो ये जज्बात ने लोगों के ते सरकारा दे नाल गिले ने कि इस मसले नू जल्दी तो जल्दी हल किया जाए, क्योंकि हर कोई परेशान हो रहा है इस लंबे अंदोलन दे नाल, हर कोई परेशान हो रहा है। सो मैं अपील करूँगा, उम्मीद भी आपको ये विश्वास देते हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, पर आप हौसला रखिए। सो मिलते हो यहाँ पे बैठ के लोगों के साथ? हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, या इस संघर्ष से भी हम नहीं हार मानते हैं, पर हम बच्चों के आगे आके टूट जाते हैं। सारा दिन हम सुबह 8 बजे 9 बजे जब भी आ जाए, रात को 10-11 बजे जाते हैं, पर अब घर जाने का इच्छा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि घर जाके हम बच्चों को जवाब क्या देंगे अब, क्योंकि हम सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं कर पा रहे, एकदम ही सेल खत्म हो गया है, हम क्या जवाब दें बच्चों को। सो मैं जे इत्थे बैठे साडे वीर किसान वीर या होर भी लोग साडा चैनल देख रहे होण, तां मैं साडे चैनल दे जरिए उन्हां नूं अपील करना चाहूँगा कि इस अंदोलन दे जरिए, इस अंदोलन दे चलदे इत्थे जिहड़े लोग ने उन्हां दा वी ख्याल रख्या जावे। जे कोई खाण नूं चीज़ लैनी होवे तां इत्थे आके लई जावे या होर दुकानां ते, तां कि इन्हां दा जिहड़ा कारोबार चलदा रहे तां किसी दा नुकसान ना होवे। मैं ये जानना चाहता हूँ, बैठते हो वहाँ पर जाके लोगों के साथ बात करते हो? आते जाते रहते हैं, सबसे सारी ही आके बैठते उठते हैं। और एक और मेरे अंदर अंदर अपनी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ आपको, अगर हमारे को बैक सपोर्ट होता, कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होता इतना, तो जैसे इन सारे हुजूम में कम से कम 40% बुजुर्ग हैं। आज ठंड के मारे ये 6 बजे सिकुड़ के अपने ट्रकों के अंदर घुस जाते हैं। अगर हमारा आर्थिक की स्थिति सही होता तो मैं अपना पूरा शॉप इनके रहने के लिए अंदर से व्यवस्था कर देती, सोने और खाने के लिए मैं अपने शॉप के अंदर ही इनका व्यवस्था कर देती, पर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक अच्छा पेरेंट्स नहीं बन पाई तो मैं नागरिक क्या बनूँगी। आप हौसला रखें। सो ये दिल ने लोका दे, ये जज्बात ने ते किसानों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़न की गल कर रहे हैं, चाहे हालात नहीं नाल है। सो इन्हों के हसबेंड भी साढ़े नाल ने, उन्होंने भी गल करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बाबुक हो गए आपके पत्नी, क्या लगता है, क्या आपका क्या कहना है इस सारे आंदोलन को लेकर? साहब हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते साहब, बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम, बहुत परेशानी है। सो तुसी देख सकते हो कि हर कोई सरकार दे नाल नाराज़गी जाहर कर रहा है, हालांकि इन्हों का यह भी कहना है कि साड़ी किसानों दे नाल कोई नाराज़गी नहीं है। साड़ी सरकार नूं यही अपील है कि इन्हों बिलों नूं जल्दी तो जल्दी रद्द किया जाए, या जो भी किसानों दे मसले ने उन्हां नूं हल किया जाए, तां कि जो जिंदगी दोबारा लीते आ सके अते सारा कुछ पहला वांग हो जाए। सो मैम और बात करना चाहूँगा मैं आपसे, क्या लगता है क्यों जो सरकार नहीं मान रही? तो सरकार को समझना चाहिए कि अपने घर में लड़ाई नहीं किया जाता, ये तो घर की बात है, अपने बच्चों से इतनी नाराजगी भी नहीं रहा जा सकता। आपको आप इनके साथ बात होती होगी, पता है कि चल क्या रहा है, किस कानून को लेके क्या है, थोड़ी सी है जानकारी? हाँ जानकारी तो है, इन ये जो बिल पास हुए हैं वो इनके फेवर में नहीं है। जब हमारे फेवर में कोई बिल नहीं है, जब हम नहीं चाहते हैं तो वो क्यों लागू कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जब हम खुश नहीं हैं, एक परिवार हैं हम तो गवर्नमेंट के लिए उनके बच्चे के बराबर है ना, जब बच्चे खुश नहीं है तो गवर्नमेंट ये नियम क्यों लाद रहे हैं, हम पे क्यों थोप रहे हैं? हम अपनी धरती माँ से बहुत प्यार करते हैं, हम इनके साथ खुश हैं तो ये हमसे क्यों छीना जा रहा है? हम भी किसान हैं, ये भी है, इनकी लड़ाई सही है गलत नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। 250 में सबसे ज़्यादा क्यों कहा जाता है भारत माता, क्यों कहा जाता है, क्यों कहता है अपनी देश की मिट्टी, क्यों कहा जाता है? खुशबू है यहाँ अपनापन का, यहाँ के लोग कितने भी होंगे सेल्फिश नहीं हो सकते, हर देश को आसरा देता है, हर किसी को अपने आंचल में छुपा लेता है ये देश, फिर इसको क्यों गवर्नमेंट मिटा रहा है?
गवर्नमेंट जब बच्चे नहीं मान रहे तो उनको उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। सो बढ़िया जज्बाती गल्ला कर रहे ने, बढ़िया डूंगिया गल्ला कर रहे ने। सो साडी भी यही अपील है जे सरकारी नुमाइंदे साडा चैनल देख रहे होण तां जल्दी तो जल्दी सारे दी परेशानियां नू समझदे होए इस मसले का हल किया जाए। कभी पंजाब आए हो? नहीं जी, पर इच्छा है। इच्छा है? क्यों, पंजाबी अच्छे लगे? हाँ, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। तो वैसे तो पंजाब आना ही बाकी हो गया, पंजाबियों से तो यहीं पे मिल। हाँ हाँ, मिल ही लिए। ऐसा एक दो आदमी के भी लग जाने से पूरा कौम ही यहाँ आ गया है। एक दो से क्या मिलना, तो पूरा कौम आ गया है। तो इन सब से मिल के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अगर अपना प्रॉब्लम नहीं होता, फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होता, तो कोई तकलीफ नहीं था। अगर हमें बैक सपोर्ट होता पीछे से भी, पर कोई है नहीं हमारा बैक सपोर्ट, कुछ भी नहीं है। अब हमें ही करके अपना अगला पिछला सारा भविष्य बनाना है, और मेरा भविष्य मेरे बच्चों में है। मैं अपना मेहनत, हम दिन रात मेहनत करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं अपने मेहनत का फल अपने बच्चे में देखती हूँ कि मेरा बच्चा कहीं सेट हो जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल ले आएगा तो पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, तो क्या करेंगे? पढ़ने वाले बच्चे तो नशा के अधीन होंगे। बच्चे हैं आपके और क्या करते हैं? बच्चे हैं, बड़ा लड़का है वो 12वीं फाइनल करने वाला, पर IIT कर रहा है। पर मेरा लड़का, हमारा फाइनेंस प्रॉब्लम देख करके एक दिन मेरा बेटा मेरे से कहा कि मम्मी, JEE एडवांस का तो काफ़ी ज़्यादा फीस है कि मैं उस भीड़ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पैसे वालों के बच्चे आते हैं। मैं JEE नीट की तैयारी करके मम्मी मैं एडवांस का पेपर दूंगा, अपने आप गवर्नमेंट मेरे तरफ देखेगा। मेरा बच्चा, हम इतना उम्मीद लगा रखे हैं गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं है? सो IIT जो आपके 12वीं करके बच्चा IIT कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, कर रहा है। हाँ, IIT की तैयारी कर रहा है। हाँ, और 12th भी कर रहा है। सो ये वो मेहनत कश लोग ने जो हालात दे सताए हुए ने, ते मजबूत ने, भावुक भी हो गए। सो असी तो यही अपील करते हैं कि विश्वास रखन साडियां सरकारां ते भी, ते उस अकाल पुरख ते भी, कि सब जल्दी ठीक हो जूगा। सो लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि किसानों को, पंजाबियों को क्या कहोगे और सरकार को क्या? सरकार से नाराजगी है, किसानों से नहीं है। क्या कहोगे क्या इस चैनल के माध्यम? क्या कहें? एक संदेश, उनकी लड़ाई सही है, हम उनके साथ हैं, वो सही रास्ते पर। आने वाले भविष्य के लिए, वो अपने लिए नहीं, वो आने वाले बच्चों के लिए, कल के लिए लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि आप ये बच्चों के अपील को माना जाए, हम उनके बच्चे हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ने का, हम कोई और देश नहीं है। भारत माँ वो है, धरती माँ वो है कि अपने आँचल में सबको छुपाती है। हमारे सर से साया क्यों छीना जा रहा है? सो दोस्तों, ये सन दिल्ली हरियाणा दे वसनीक दुकानदार जिन्हां नाल गल करके इस सारे अंदोलन दा नज़रिया जानने की कोशिश की, ते इस दौरान ये भावुक भी होए। असी किसानां दी तरफ तो तुहाडे तो माफ़ी चाहते हैं, पर हल किसे दे इन्हां लोकां दे हाथ विच भी नहीं, जिवें तुहानू पता है। ये हल सरकार ने करना है, तो उम्मीद करते हैं कि हौसला बनाए रखो, हल जल्दी होगा। सो तुसी देख रहे सी रोज़ाना स्पोक्समैन, ते कैमरे के पिछे मेरा साथ दिता मेरे सहयोगी सुखविंदर सिंह ने, मैं शशम नागरा, धन्यवाद।